नमस्कार फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल्स गाइड में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, आज हम लोग देखेंगे कि नंबर ऑफ सोर्स अगर एक से ज़्यादा है, करीब आपके पास चार सोर्स है, तो अब आप उसका पावर वायरिंग किस प्रकार से करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है कि पावर वायरिंग विद द फोर सोर्स। तो मैंने यहाँ पे हम लोग चार सोर्स ले लेते हैं और किस प्रकार से उसका वायरिंग करेंगे, उसका पावर वायरिंग करेंगे, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो ये मान के चलता हूँ कि आपके पास एक ट्रांसफार्मर, दो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर वन, ट्रांसफार्मर टू, वैसे आपका डीजी वन एंड डीजी टू। ठीक है, तो ये आपके चार सोर्स हैं और इस चारों सोर्स को आपको यूज करना है। तो उसको वायरिंग किस प्रकार से करते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चार सोर्स बना लेते हैं हम। ये आपका सोर्स वन हुआ, ये हमें कह सकते हैं आप ट्रांसफार्मर वन है। ठीक है, अगेन ट्रांसफार्मर टू बना देता हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट मैं डीजी वन बना देता हूँ। देन यहां पे हम डीजी टू बना देते हैं। अब नंबर ऑफ सोर्स हमारे पास कितने हो गए, 1 2 3 4 हो गए। ठीक है, और इस फोर सोर्स को हमको यूज करना है एक कॉमन लोड में, कॉमन लोड में, है ना। तो वो कैसे यूज करेंगे, ठीक। तो इस टाइप की अगर कोई आपके पास पैनल्स आता है तो उसके लिए क्या करेंगे, आपको चेंजवर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक है, तो मैं एक चेंजवर यूज करता हूँ आपका ट्रांसफार्मर वन एंड ट्रांसफार्मर टू के बीच में। ठीक है, तो ये मेरा वन पोजीशन है, ये मेरा टू पोजीशन है, और सेंटर में आपका ऑफ पोजीशन रहता है। ठीक है, और ये मेरा लोड वाला पोजीशन है। ठीक है, अगेन डीजी वन एंड डीजी टू के बीच में आप एक चेंज वायर और यूज कर दीजिए। ये मेरा पोजीशन वन है, ये पोजीशन टू है, और ये मेरा कॉमन है। ठीक है, ये लोड है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में एक और चेंज वायर आप यूज कर दीजिए। और ये आप कॉमन लोड दे दीजिए। बस आपका काम हो गया। अब वर्क कैसे करते हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार की जो कनेक्शन या जो वायरिंग होती है वो वहाँ पे यूज़ किया जाता है जहाँ पे कभी भी लाइट बंद ना हो। ऐसा अगर सिचुएशन आपके पास आता है, ऐसा कोई आपका इंडस्ट्री है जिसमें आपका लाइट कभी भी 10 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए बंद ना हो, तो उस कंडीशन में आप इस पैनल को यूज़ कर सकते। इसमें से कोई भी एक सोर्स रहेगा तो आपकी जो लोड है उसको आपको सप्लाई मिलेगा। ठीक है, आपको कैसे मिलेगा मैं आप लोग बता रहा हूँ। देखिए, सोर्स वन सोर्स टू को एक चेंज वायर मैंने यूज़ किया है, वैसे डीजी वन डीजी टू को मैंने एक चेंज वायर में यूज़ किया है, और इन दोनों के जो लोड है या जो आउटपुट है उस आउटपुट को एक और चेंज वायर मैंने दे दिया। ठीक है, अब मान के चलते हैं कि मेरा सिर्फ ट्रांसफार्मर डीजी ट्रांसफार्मर वन को यूज़ करना है पूरे लोड में। ठीक है, तो ये सारे जो MCB है उसको बंद कर दीजिए आप, MCB या जो भी आपका स्विच गियर यहाँ पे लगा उसको बंद कर दीजिए। ठीक है, और ये जो चेंज वायर है इसको मैं वन पोजीशन में रखूंगा तो सप्लाई मेरे यहाँ पे आएगा। ठीक है, अगेंस्ट ये जो चेंज वायर इसको वन पोजीशन में रखूंगा तो सप्लाई इसमें आ जाएगा। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि टीजी टू या ट्रांसफार्मर जो टू है उसको मैं यूज़ करूँ। ठीक है, ट्रांसफार्मर टू को यूज़ करूँ, तो आपकी क्या कीजिए, आप पोजिशन टू में कर दीजिए, आपका इसमें सप्लाई आएगा ट्रांसफार्मर टू का। अगेंस्ट ये वाला जो चेंज वायर इसको ये वाला पोजिशन कीजिए तो इसमें सप्लाई आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ट्रांसफार्मर वन ट्रांसफार्मर टू का जो लोड जो पावर है वो इसमें आ जाएगा। ठीक है, अब हो सकता है कि ट्रांसफार्मर वन एंड ट्रांसफार्मर टू दोनों आपका खराब है, आप चाहते हैं कि डीजी वन से आप इसको लोड दें, तो क्या कीजिए, आप डीजी वन को चालू कर दीजिए, बाकी ऑफ कर दीजिए। ठीक है, और ये वाला जो चेंज ओवर इसको आप फर्स्ट पोजिशन में रखें तो सप्लाई यहाँ पर आएगा। अब क्या करना है, ये जो चेंज ओवर आपका थर्ड नंबर का चेंज ओवर कितना हो रहा है, आपको वन ये हो रहा है, ये टू हो रहा है, ये थर्ड हो रहा है, तो थर्ड नंबर के चेंज ओवर को सेकेंड टू की पोजिशन में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका डीजी वन का पावर इसमें आ जाएगा। ठीक है,
हो सकता है कि डीजी वन भी खराब हो, उस कंडीशन में क्या करेंगे आप, इसको बंद कर दीजिए और डीजी टू को चालू कर दीजिए और ये जो आपका चेंजर है उसको टू पोजिशन में रख दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको भी हम लोग टू पोजिशन में रखेंगे, तो पावर जो सप्लाई किस में आ जाएगा, इस लोड में आ जाएगा। इस प्रकार से आप फोर सोर्स है, चार सोर्स है इसका, चारों सोर्स को आपको इंडिविजुअल इसमें अलग अलग आप यूज़ कर पा रहे हैं, ठीक है। बट एट ए टाइम आप दो सोर्स को यूज़ करेंगे ऐसा नहीं है, चेंज ओवर ऐसा नहीं हो पाता, उसके लिए हम लोग बस कपलर यूज़ करते हैं और वो मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, आप आई वीडियो में जाकर उसको देख लीजिए कि किस प्रकार से सेपरेटली आप यूज़ कर सकते हैं, मतलब एट ए टाइम आप दोनों सोर्स को कैसे यूज़ करेंगे उसके बारे में पहले वीडियो बना चुका हूँ, तो वो देख लीजिए आप लोग। और फ्रेंड्स अगर ये वीडियो अच्छा, मेरे चैनल इलेक्ट्रिकल्स गाइड को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि इसी प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड अगर पोस्ट भी, तो मेरा एक ब्लॉग है जिसका नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है जिसका नाम www.omtechguide.in है, तो उसमें जाकर एक बार जरूर विजिट कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।